हमारे साथ अजय हैं इस समय। अजय ये बताइए, जब साक्षी का मर्डर हुआ उस समय वहाँ पर आप मौजूद थे? मैं सर देखो मौजूद होता था, ये बात तो मैं बोल ही रहा हूँ, मैं दो दिन से मैं मौजूद होता था, उस लड़की को मरने नहीं देता। हाँ जी, मैं उसने मार देता जानते। अच्छा, हाँ जी। तो आप जब वहाँ पर गए तो आपने क्या देखा? वहाँ पर देखा तो उसकी लाश ही पड़ी थी, अब लाश को कैसे बचाए। लेकिन वो लड़की जिंदा जागता मेरे पास आई थी 27 तारीख को, मैंने उसकी मदद करने की सोची, और उसके बावजूद जब उसको मार दिया गया तो जब भी उसकी मैंने भी और प्रशासन पुलिस ने भी मदद ही की, जो कि उसको कोई हाथ नहीं लगा रहा था, उठा के उसको एम्बुलेंस तक पहुंचाया। हाँ जी, कोई डेड बॉडी को हाथ नहीं लगा, तब आपने उठाई? हाँ जी, जब उसको उठा के एम्बुलेंस में। डेड बॉडी की हालत उस समय कैसी थी? सर्वर देखो फटे हुए थे, ईटा वीटा मार रखी थी, चाकू वाकू मारे थे, हाथ वाथ बाहर थी, तो बहुत बुरा हाल था जैसे कि। फिर भी उसको उठा के मैंने अंदर तक रखवाया। 27 को साक्षी आपके पास? 27 को साक्षी मेरे पास आई थी मदद मांगने के लिए, आई थी कि मेरी मदद करो। अच्छा, क्यों मदद मांगने आई थी? अच्छा, उसको लड़का टॉर्चर करता था, फोन करके धमकी देता था, साक्षी उससे बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो लड़की आई थी कि मेरी हेल्प करो। तो आपने कुछ हेल्प करी उसको? हम उसके लड़के के पास गए थे, उसको बोला था कि भाई लड़की को ऐसे टॉर्चर मत करो, अच्छी बात नहीं है, तो उस लड़के ने हमारी सुनी नहीं, तो फिर हम आ गए थे। जब आप लोगों ने उसको समझाया कि साहिल साक्षी को परेशान मत करो, तब उसने क्या कहा आप? उसने कुछ नहीं कहा, वो खुंदस में बस देखता रहा हमको। अच्छा, सिर्फ देखता रहा? देखता ही रहा, घूर घूर के बस। और 28 को प्रिय वारदात? हाँ जी, 28 को ही हुआ। तो इससे पहले कभी साक्षी ने जिक्र किया कि? इससे पहले तो साक्षी मेरे से मिली ही नहीं, ओनली 27 तारीख को शाम को ही मिली थी। अच्छा, किसके साथ आई थी? कुछ मेरी फ्रेंड है भावना, उसके थ्रू आई थी वो। उसके थ्रू आई थी, और क्या बताया कि टॉर्चर करता है? हाँ जी, दोनों ने मेरे को यही मेरे सामने बात रखी, तो मैंने बोला कि भाई इस बारे में बात करते हैं, कोई बात नहीं, चलो। तो हम गए थे उससे मिलने। जब आप गए थे तो साहिल उस समय अकेला था? उस समय 15-16 लड़के लेके वो खड़ा था। देखो उसको भी डर था कि झगड़ू आएगा कभी मेरे को मारे, वो पहले ही 15-16 लड़के लेके खड़ा हुआ था, लेकिन ऊपर जो मैं उसको डर, मैं ऐसा क्रिमिनल बदमाश वांटेड, उसने मेरे को बताया है, ऐसा मैं होता तो मैं भी लड़के लेके जाता, वहाँ पे दो लड़कियों के साथ नहीं जाता मैं। हाँ जी, तो 15-16 लड़के थे उसके साथ? जी, 15-16 लड़के थे। तो तब उसके पास में कोई हथियार था, कुछ था, क्या बात? कोई चीज़ का तो पता नहीं, क्या पता क्या ले रखा हो क्या नहीं ले रखा। सभी लोग लेकिन चुप रहे जब आपने समझाया कि परेशान? हाँ जी, कोई भी नहीं बोला वहाँ पे, ओनली मैंने ही बोला था, उन लड़कियों को भी बोलने नहीं दिया वहाँ पे मैंने, और मैं ही बोला था बस इसको परेशान मत करो, मेरा किसी ने जवाब नहीं दिया, तो फिर हम चुपचाप आ गए थे। तो आपको क्या लगता है जब कत्ल किया गया उस समय क्या साहिल ही अकेला रहा होगा क्या? अब देखो सर, चाकू जो मार रहा है वीडियो में, इसमें तो अकेला ही है, अब क्या पता उसके पास कौन था कौन नहीं था, इस चीज़ का तो वीडियो में सपा दिख रहा है। अच्छा, और आपने ये भी कहा कि यदि आप उस समय 28 को आप मौजूद रहते तो आप शायद आप बचाते? मार देता, अगले को मार देता मैं, आप बचाते? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि पब्लिक यही करती है, और मेरे जैसा कोई होता तो वो भी यही करता, चाहे कुछ भी करते लड़की को मरने नहीं देते, कुल मिला के बात ही। बचाते आप लोग? हाँ जी, ओके। तो ये अजय हैं साफ तौर पर कहते हुए कि 27 को जो लड़की है साक्षी, वो आई थी इनके पास में, कि जो साहिल है, साहिल परेशान किया करता था, उसकी शिकायत लेकर के साक्षी जो है अजय के पास में आई थी 27 की शाम में, लेकिन ये लोग समझाने जब उसको गए तो वो चुप रहा, और फिर 28 तारीख को ये वारदात हो गई। वो शख्स हैं जिन्होंने साक्षी की डेड बॉडी को उठा करके एम्बुलेंस में रखा था। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ मणिदीप शर्मा।